हाय फ्रेंड्स, कई बार हम अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने किसी साइट पर जाते हैं, या पीसी गेम्स फुल वर्जन गेम्स हम डाउनलोड करने किसी साइट पर जाते हैं, या ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए किसी साइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक वर्ड लिख के आता है डाउनलोड करते वक्त। 64 दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है 32 बिट और दूसरा रहता है 64 बिट। तो उनमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना रहता है, जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर का वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, 32 बिट है या 64 बिट हमारा कंप्यूटर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। आइए देखते हैं कैसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, विंडो उसका ये आइकन, स्टार्ट आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और इस सर्च बॉक्स में हमें एस टाइप करना है। ये देखिए, एस टाइप करने के बाद देखिए ये नज़र आ रहा है, सिस्टम का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर एक बार हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिस्टम में देखिए ये पूरे आपके कंप्यूटर की जो है इंफॉर्मेशन होगी। तो ये देखिए, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये लैपटॉप पीसी चल रहा है, सिस्टम पूरा चल रहा है। और आप भी अपना ये चेक कर सकते हैं पूरी तरह से, सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है आसानी से। और एक तरीका है, देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है, पहले मैं ये ऑफ कर देता हूँ। कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एक बार और सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे सिस्टम का ये देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से भी हम आसानी से जान सकते हैं 64 बिट ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका 32 होगा या 64 होगा। इस तरह से तरीके से आप आसानी से जान सकेंगे और आपको किसी भी साइट पर से कंप्यूटर पीसी फुल वर्जन गेम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में आसानी होगी कि 32 बिट में आपको करना चाहिए या 64 बिट में आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।